धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन। सो गाइस कैसे वेयर सब लोग, और आज की वीडियो में सिखाने वालों कि आप अपने इस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह की अपनी खुद की फोटो की लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनाओगे ना, आपकी वीडियो है अमेजिंग लगने वाली। तो गाइस इस तरह की वीडियो बनाने से पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान है उससे आपको प्रेस करना है। वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होगा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले गाइस आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है प्लस का आइकन, क्लिक करना और कुछ साइज शो कर रहे हैं, आपको 1.1 वाला साइज सेलेक्ट करना है। इस साइज को सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है मीडिया, आपको मीडिया पे क्लिक करना है और आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने एक फोटो सिलेक्ट करनी। ओके तो गाइज मैं एक फोटो सिलेक्ट करता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए फोटो आ चुकी है। जो फोटो है इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ लंबी करनी है। सो मैं इसकी लेंथ लंबी कर लेता हूँ। जो फोटो वाले लेयर है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस फोटो को इस तरीके से खींच लेना है। टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए फोटो की लेंथ लंबी हो चुकी है। अब करने के जो फोटो है इसका साइज फुल करना है, ठीक है। जो उसका साइज छोटा है इसका साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लेता हूँ। फोटो वाले लेयर पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन शो कर रहा है क्लिक करना है इस पर, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको फोटो में जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर फोटो को सेट कर लेना। ओके तो गाइज मैं यहाँ पर फोटो सेट करता हूँ। सेट करने के बाद बगल में एक ऑप्शन होगा डबल लाइन, क्लिक करना है। टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए फोटो सेट हो चुकी है। अब करना क्या, इसमें एक ब्लैक इफेक्ट ऐड करना। ओके सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है। आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना। ओके सो मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज इमेज आ चुकी है। जो इमेज है इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ लंबी करनी है। लंबी करने के बाद लेयर फर्स्ट किसका ना जो इमेज है गाइज आपको घुमा लेना, ठीक है। रोटेट कर लेना और घुमाने के बाद इसका साइज आपको फुल करना, बढ़ा लेना और यहाँ पे खिसका लेना आगे की ओर और यहाँ पे इस तरीके से सेट करना। ओके तो मैं सेट करता हूँ। सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए फोटो में ब्लैक इफेक्ट लग चुका है। अब करना क्या, इसमें एक इफेक्ट वीडियो ऐड करनी। ओके इसमें ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना। ओके तो गाइज मैंने वीडियो सिलेक्ट करी। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज आपको फुल करना है। फुल करने के बाद जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो मतलब जो इफेक्ट वाली वीडियो क्लिक करना है और बगल में कुछ ऑप्शन हो गए नीचे खिसकाना है। खिसकाने के बाद एक ऑप्शन हो गया ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन हो गए आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए वीडियो में लाइटिंग इफेक्ट लग चुका। आपने इस तरीके से लाइटिंग इफेक्ट लगा लेना है। और अब करने क्या है, इसमें लिरिक्स वीडियो ऐड करनी है, साउंड वाली वीडियो ऐड करनी है। सो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना। आपके फोल्डर ओपन हो जाएंगे। आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद अब वीडियो आ चुकी है और बगल में कुछ ऑप्शन हो गए नीचे खिसकाना है। खिसकाने के बाद एक ऑप्शन आ चुका है ब्लेंडिंग, क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन हो गए आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्रीन और टिक पे क्लिक करना। गाइज देख लीजिए ब्लैक इफेक्ट हट चुका है। तो गाइज साउंड वाली वीडियो के लेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको गाइज इसका साइज बढ़ा लेना और यहाँ पे सेट कर लेना। ओके तो गाइज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ। सेट करने के बाद टिक पे क्लिक करा। गाइज देख लीजिए वीडियो में लिरिक्स लग चुका और साउंड ऐड हो चुका है। अब करना क्या है, इसमें गाइज एक PNG ऐड करनी। ओके इसमें PNG ऐड करता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। आपने उस PNG को सिलेक्ट करना है। PNG सेलेक्ट करने के बाद जो PNG है इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ लंबी करनी। लंबी करने के बाद सो गाइज जो PNG है ब्लैक कलर की है, इसे व्हाइट कलर करना होगा। ओके इसमें कर लेता हूँ। बगल में कुछ ऑप्शन हो गए नीचे खिसकाना है। खिसकाने के बाद एक ऑप्शन हो गया एडजस्टमेंट, क्लिक करना और तीन लाइन शो करे। जो फर्स्ट लाइन है प्लस करना और जो सेकंड लाइन है माइनस करना है, इसे प्लस करना है, ठीक है। गाइज देख लीजिए व्हाइट कलर हो चुका है। जो PNG वाले लेयर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेयर आगे खिसकाना है। खिसकाने के बाद जो PNG है इसका साइज छोटा करना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे PNG सेट कर लेना। ओके तो गाइज मैं यहाँ पे PNG सेट करता हूँ। सेट करने के बाद टिक पे क्लिक। सो गाइज देख लीजिए इतनी वीडियो एडिट हो चुकी है। अब करना क्या, इसमें आउटलाइन लगाना और बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है साइड से। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना। आपने उस PNG को सिलेक्ट कर लेना। ओके तो गाइज मैं PNG सिलेक्ट कर लेता हूँ। PNG सेलेक्ट करने के बाद जो PNG है इसकी लेंथ लंबी करनी। लंबी करने के बाद जो PNG है इसका साइज फुल करना है। टिक पे क्लिक करना और गाइज इसमें एक अपना लोगो ऐड करना। गाइज लोगो लगाने से गाइज वीडियो एकदम प्रोफेशनल लगती है। तो मैं अपना एक लोगो ऐड कर लेता हूँ।
सो गाइज लोगो आ चुका है, जो लोगो है इसकी लेंथ छोटी या लंबी करनी है, ठीक है। और आपने अपना एक लोगो बना लेना और यहाँ पे गाइज सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गाइज सेट कर लिया और टिक पे क्लिक। सो गाइज देख लीजिए वीडियो मस्त तरीके से एडिट हो चुकी है, आपने इस तरीके से अपनी वीडियो एडिट कर लेनी है। और अब करना क्या है, इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करना है, तो मैं सेव कर लेता हूँ। एक ऑप्शन वगैरह शेयर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी, क्वालिटी सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन वगैरह एक्सपोर्ट क्लिक करना है। और गाइज आपने इस तरीके से वीडियो अपने मोबाइल में सेव कर लेनी।